opportunity worldwide. नमस्ते, मैं अनुष्का। आपसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी हमारी ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी। आज हम चर्चा करेंगे द बैंक की स्कॉलरशिप पर, लेकिन वो क्या है ये जानने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या आपकी कलाई पर सोने की घड़ी है? अगर है तो क्या आप उस आनंद को दोबारा एंजॉय नहीं करना चाहेंगे? और हाँ, आपने उस आनंद का अनुभव अगर अभी तक नहीं किया है तो उसे पाने का एक शानदार मौका आज आपके पास है। अगले कुछ ही महीनों में वो गोल्डन वॉच आपकी कलाई में आ सकती है, सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि आपके जीवन साथी की कलाई में भी, जिसकी कीमत होगी लगभग 4.5 लाख। वैसे तो इसे आप खुद भी खरीद सकते हैं, लेकिन यही गोल्डन वॉच अगर आपको सम्मान के रूप में मिले तो फिर उसकी बात ही कुछ और है। इसीलिए तो लाखों लोग इसके दीवाने हैं, और ये है द बैंक की स्टार गोल्ड स्कॉलरशिप। इस सम्मान को हासिल करने के दौरान एक शानदार टैब के साथ साथ लगभग गोल्डन वॉच की कीमत के आसपास की अतिरिक्त आमदनी भी आप पा सकते हैं। ये केवल शुरुआत भर है जिसे आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। कैसे, आइए समझ लेते हैं। देखिए, द बैंक की स्कॉलरशिप इस प्रोजेक्ट का एक शुरुआती हिस्सा है। ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में एक शानदार करियर की पहल करने जैसा है। इस प्रोजेक्ट को व्यापक रूप से जानने के लिए इसकी मूल विचारधारा को समझना जरूरी है, और वो है सिर्फ तुम। हम आज मिले हैं, इसका मतलब है कि आपने द बैंक के कॉन्सेप्ट सिर्फ तुम को देख लिया है। सिर्फ तुम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भर नहीं बल्कि एक विचारधारा है जिससे दुनिया के करोड़ों लोग प्रेरित हैं। और आपके लिए खास बात ये है कि उनमें से कई सारे लोग आपके ही आसपास मौजूद हैं। सिर्फ तुम की विचारधारा से प्रेरित लोगों को पहचानना ही आपका शुभारंभ है। सही समय और सही माहौल में जब लोग आपके साथ द बैंक के कॉन्सेप्ट सिर्फ तुम को देखेंगे, तब इस दुनिया में खुद के वजूद और उनके जीवन में द बैंक के महत्व को वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसके बाद फ्री रजिस्ट्रेशन करके द बैंक में नोवस नेटिजन बनना तो कॉमन बात है। यही कॉमन बात आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इसे समझने के लिए मेरी बातों पर जरा गौर कीजिए। देखिए, अपने बिजी शेड्यूल में से भी थोड़ा वक्त निकालकर अपने प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट सिर्फ तुमको आप हर रोज दिखा सकते हैं, कई सारे लोगों को दिखा सकते हैं, और जिन्हें दिखाना है वो हजारों लोग आपके सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स के रूप में पहले से ही मौजूद हैं। सोशल मीडिया, जो कि आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, उसकी एक हकीकत से हम वाकिफ हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप मौजूद हैं उनका आपके देश या आपके शहर में सबसे पहला यूजर कौन था? आप थे या कोई और? चलिए जरा याद कीजिए कि आपको ये प्लेटफॉर्म्स किसने इंट्रोड्यूस किए और आपने किन किन को इंट्रोड्यूस किया। सच कहूँ तो इसका सही सही जवाब मिलना जरा मुश्किल है, क्योंकि यादें धुंधला गई हैं और कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो हकीकत ये है कि आपके स्मार्टफोन में सोशल मीडिया पर लोगों की मौजूदगी का अर्थ है डिलीट या अनफॉलो होने तक आपके टेम्पररी कॉन्टैक्ट्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मतलब दुनिया के करोड़ों लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो हैं, लेकिन चैनलाइज्ड नहीं। और आपके लिए टर्निंग पॉइंट ये है कि आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स के इसी मौजूदा अर्थ को बदलना। मतलब ये कि जब उनमें से कोई नोवस नेटिजन बनता है तो उस प्रक्रिया में उसकी दी हुई कॉन्सेंट की वजह से वो आपके साथ चैनलाइज्ड होकर आपके परमानेंट डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो फिर आपकी ईओन नेट कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट हो जाए तब भी। इतना ही नहीं, उसके कॉन्टैक्ट्स भी नोवस नेटिजन बनने पर
आप ही के डेटाबेस का हिस्सा बन जाते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है और डाबैंक इसे आपके फोरम के रूप में प्रिजर्व करता है। जो लोग आपके इनविटेशन की वजह से नोवस नेटिजन बनते हैं, वो आपके फोरम के पायनियर्स कहलाते हैं। जितने ज्यादा पायनियर्स होंगे, उतनी ही तेजी से आपके डेटाबेस का निर्माण होगा। नेचुरली आप अपने पायनियर्स की मुलाकात मुझसे करवाएंगे ही और मैं उन्हें भी डाबैंक का प्रोजेक्ट आसानी से समझा दूंगी। बस आपको उन्हें उचित निर्णय लेने में मदद करना है ताकि वो खुद की नेटिजनशिप को अपग्रेड करके अपने शानदार करियर का आगाज करें। आपकी और उनकी अपग्रेडेड नेटिजनशिप के कॉम्बिनेशन की वजह से आप डाबैंक की स्कॉलरशिप के पहले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं और वो है नियॉन स्कॉलर। नियॉन बन के आपने जीवन में पहली बार खुद के लिए परमानेंट डेटाबेस बनाने का महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर दिया है और यही डेटाबेस आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में कामयाबी और संपन्नता का सिद्धांत ये है कि जिसका जितना बड़ा डेटाबेस उसके पास उतनी बड़ी आर्थिक संपन्नता। डाबैंक के फोरम के रूप में प्रिजर्व होने वाला आपका डेटाबेस आपकी आर्थिक संपन्नता में कैसे परिवर्तित होने वाला है, इसे हम आगे के चैप्टर्स में जरूर समझेंगे। अभी मुद्दे की बात ये है कि डाबैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और आपके हाथ में स्मार्टफोन, तो फिर देर किस बात की। इससे पहले कि आपके किसी परिचित का इन्विटेशन आपको मिले, आप शुभारंभ कर लीजिए, नियॉन बनिए और नियॉन बनाइए। आप नियॉन स्कॉलर बन जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने गोल्ड वॉच को पाने की ठान ली है। मुझे पता है कि जब आप किसी चीज के बारे में ठान लेंगे तो समय भी निकाल लेंगे और मेहनत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बातें आपके कंट्रोल में हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको हासिल करना पड़ता है, जैसे कि सक्षम बिजनेस पार्टनर्स, आवश्यक नॉलेज और जरूरी टूल्स। जहाँ तक बिजनेस पार्टनर्स की बात है, तो जब आपके माध्यम से आपके फोरम में आप ही की तरह कई सारे नियॉन स्कॉलर्स बन जाते हैं, तो वो आपके बिजनेस पार्टनर्स के रूप में आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इस वजह से आपकी गोल्ड वॉच की जर्नी में एक बहुत खूबसूरत पड़ाव आ जाता है। बस एक छोटा सा क्राइटेरिया पूरा होते ही आप बन जाते हैं सिल्वर स्कॉलर। सिल्वर स्कॉलर बनना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत घटना इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से आपको और भी बहुत कुछ हासिल होता है। पहला तो ये कि एज अ सिल्वर स्कॉलर डाबैंक आपको एक खास इवेंट में आमंत्रित करता है और वो है ड्रीम एनहांसमेंट एंड कल्टिवेशन सेमिनार, यानी कि डेक्स। 2 दिनों के इस हाई टेक सेमिनार में आप फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल होते हैं, जहां इस बिजनेस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और टेक्निक के साथ साथ आपकी नेतृत्व क्षमता को भी तराशा जाता है। इस तरह आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में डेक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा ये कि सिल्वर बनने पर आपको एक शानदार टैब गिफ्ट किया जाता है। अपने प्रोफेशनल या फैमिली गैजेट्स को डिस्टर्ब किए बगैर आप इस टैब को डाबैंक करियर के लिए एक डेडिकेटेड टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्वर स्कॉलरशिप से जुड़ा तीसरा पहलू सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम जिस आर्थिक संपन्नता की बात कर रहे हैं ना, उसकी बुनियाद तैयार होती है जरूरत के वक्त सही सहायता मिलने पर। सिल्वर स्कॉलर बनने के बाद शुरू होने वाला स्टाइपेंड इस बात को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। सिल्वर्स के लिए ये स्टाइपेंड इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उनके स्टार गोल्ड स्कॉलर बनने के बाद भी द प्राइड रिवॉर्ड्स के पहले पायदान पर पहुंचने तक जारी रहता है, और ये अमाउंट छोटी मोटी नहीं बल्कि कुछ लाखों तक हो सकती है। इस तरह आपके करियर को सफल बनाने में इस स्टाइपेंड का बहुत बड़ा योगदान होता है।
इसलिए सिल्वर स्कॉलर बनना आपका एब्सोल्युटली प्रोफेशनल डिसीजन होना चाहिए। अब अगर आपका सिल्वर स्कॉलर बनने का डिसीजन हो चुका है तो हम उस क्लाइमैक्स के काफी नजदीक पहुंच रहे हैं जहां आपके और आपके जीवन साथी के हाथ में सोने की घड़ी पहनाई जाएगी। ऐसे शानदार क्लाइमैक्स के मौके पर मैं बहुत बड़ी बड़ी और हवा हवाई बातें न करके प्रैक्टिकल बातें करना ज्यादा पसंद करूंगी। जैसे कि हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, सिर्फ तुम की विचारधारा से जुड़े एक साधारण से व्यक्ति को नियोन बनने में कितना समय लगना चाहिए। देखा जाए तो वो एक दिन में भी बन सकता है, और अगर वो पार्ट टाइम के हिसाब से भी काम करता है तो भी ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते, ठीक है ना? और इस हिसाब से देखें तो नियोन बनने के बाद किसी भी व्यक्ति को सिल्वर बनने में कितना वक्त लगना चाहिए। मुझे लगता है कि हम दोनों ने मिलकर अगर सही दिशा में काम किया तो 1 महीना सफिशिएंट है।